सो दिख रहा है ना सबको। चलो आज क्लास में थोड़ा बहुत दिनों के बाद क्लास में अच्छा अच्छा फील हो रहा है। सो स्टार्ट किया जाए बच्चे। हाँ तो ठीक है। सो लास्ट टाइम में हमने काफी कुछ सीखा था, जिसमें थर्ड चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे रिलेट करनी थी। इसमें दो चीजें था, एक v इक्वल टू लिखते थे ds अपॉन dt, मतलब डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिल जाता था, स्पीड और वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, अगर डिस्टेंस रहेगा तो स्पीड मिलेगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी मिलेगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। यस सर नो बच्चे बोल दे। बाई क्रॉस जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इंटू dt। तो ds बताओ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कि बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। हमें बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिया, v इंटू dt। ये मैं बताया था, वापस से रिकैप कर रहा हूं। मीन्स अगर v पता है और s निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जैसे कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, s। अगर स्पीड रहेगा तो डिस्टेंस मिलेगा और वेलोसिटी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सेकेंड एक और फॉर्म था, a इक्वल टू dv अपॉन dt, a इक्वल टू dv अपॉन dt। जैसे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू dt। अब सोचो यहाँ वेलोसिटी छोटा है कि बड़ा है, छोटा। बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेट किया तो यहां पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। किसी को डाउट है बच्चे, पक्का? तो इसके अबाउट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, बोलो। तो चलो नोटबुक पेन निकालो फटाफट, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसके अबाउट सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवेन एज v इक्वल टू 3t² -5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया है बच्चे 3t² -5 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ कि ये जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि टाइम का टर्म है। जैसे जैसे टाइम चेंज करेंगे हम, वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी, इसीलिए पता चला कि वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, सो नाउ फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या निकालना है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने टाइम पे, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या हुआ बच्चे, कुछ डाउट है, यस और नो? अमन कैंसिल करो। सो बच्चे वेलोसिटी दिया है 3t² -5 एंड वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ट्राई करो कि मैं करूं, बोलो जल्दी, बोलो बच्चे। साउंड प्रॉब्लम, चलो देखो तो फटाफट। हेलो बच्चे सुनाई दे रहा है, साउंड देखो तो कम नहीं हो गया है, कॉल कर आने के बाद इसलिए गड़बड़ होता है। हाँ ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है प्रॉपरली? हाँ। सो इसको ट्राई करो कि मैं करूं,
एक मैं करता हूं, चलो एक मैं करता हूं, किसी का आंसर आ गया क्या? 12 मीटर 7। और किसी का कुछ आया? बोलो। अब ठीक है, चलो मैं करता हूं, ध्यान से सुनना कैसे कर रहे हैं। दी गिवेन है वी की वैल्यू 3t² - 5 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तुरंत ही याद आया कि अच्छा इससे रिलेटेड फॉर्मूला था हमारे पति को, अगर भूल भी गए तो ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो हम कर सकते हैं। कैसे? v का फॉर्मूला पता है, ds अपॉन dt, जैसे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ds इक्वल टू v इंटू dt हो जाएगा, और जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? s। तो हमें पता चला s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? v इंटू dt। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v बच्चे? सो v की वैल्यू है 3t² - 5 dt। अब लिमिट देखो, लिमिट दे दिया है, ध्यान से सुनना, कितने सेकंड में दिया है बच्चे, जल्दी बोलो। 2 सेकंड। इसका मतलब देखो, लिमिट हमें रखना पड़ेगा, तो इनिशियल लिमिट नहीं दिया है तो हम क्या ले लेंगे? 0। एंड फाइनल लिमिट कितना दिया है बच्चे? 2 सेकंड। मतलब जब 2 सेकंड बोला है ना, तो या तो क्वेश्चन में गिवन रहता है 0 to 2 सेकंड, अगर 0 मेंशन नहीं है तो तुम इनिशियल लिमिट क्या ले सकते हो कि 0 से स्टार्ट होके और 2 सेकंड तक गया है, इसीलिए टोटल टाइम उसको कितना लगा है? 2 सेकंड। ठीक है बच्चे? हाँ। सो इसको इंटीग्रेट जैसे करेंगे तो 3t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t³/3 -5 कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। 3 कैंसिल, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गया बच्चे? 2। So, अभी अपर लिमिट मैंने सिखाया था फाइनाइट इंटीग्रेशन में, अच्छे से सिखाया था कि जब भी लिमिट गिवन रहे तो क्या करना, एक बार अपर माइनस लोअर, वेरी गुड। सो एक बार टी के जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा? सो 2 का क्यूब, तो 2 × 4 = 8 -5 इंटू कितना बच्चे? तो 5 × 2, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में रखेंगे टी के जगह 0 तो 0, माइनस इसके जगह 0 तो ये भी 0। सो कितना हो जाएगा बच्चे? 8 - 5 × 2 = 10 -2 m/s। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -2 m/s। दिख रहा है क्या नीचे वाला पार्ट? हाँ। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -2, पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले वो आगे जा रहा होगा और बाद में वो पीछे आ रहा होगा, और पीछे आके वो ओरिजिन से पीछे, मतलब एग्जैक्टली जब थर्ड चैप्टर सिखाया जाएगा ना, तब बताया जाएगा कि सपोज ये ओरिजिन है, इससे हम आगे गए तो डिस्प्लेसमेंट प्लस होता है और पीछे आए तो माइनस होता है। ये ऑलरेडी सीख चुके हो कि एक्स एक्सिस इधर प्लस इधर माइनस, वैसा ही कुछ रहा होगा जो कि थर्ड चैप्टर में प्रॉपरली टर्म के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। कैसे फाइंड आउट किया पता चला बच्चे? एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, सबका आंसर रॉन्ग था ना ये? हाँ, तो ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग करो जल्दी, इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लिए क्या? ठीक है, मैं रब करता हूं बच्चे। सो एक क्वेश्चन, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देते, बिना स्टेटमेंट का मैं ले रख रहा हूं, ठीक है? देखो क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल v, डायरेक्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 2t² - t + 1 m/s। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 1 second टू t = 3 second। मतलब डिस्प्लेसमेंट जब 1 सेकेंड से 3 सेकेंड चला होगा ना, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइंड आउट करो। कोई कपड़ा देखो, कितना है बच्चे? -14। हो सकता है, मुझे आंसर नहीं पता।
माइनस 14 मीटर पर सेकेंड। और किसी का है बच्चे? अरे मीटर पर सेकेंड क्यों, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसा यूनिट तो मीटर होता है। हाँ स्पीड का मीटर पर सेकेंड, गड़बड़ मत करो, यूनिट एंड मेजरमेंट सिखा चुका हूँ मैं। ठीक है सो बच्चे एक बार टैली करना, इधर मत देखना जिसका नहीं आया है, मैं निकाल लेता हूँ। S इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी टी, वी की वैल्यू कितनी है, सो 2t स्क्वायर माइनस ऑफ t प्लस 1 इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, तो इनिशियल लिमिट 1 एंड फाइनल लिमिट कितना है 3। सो जैसे इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस टी, लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 3। सो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 × 9 = 27/3 माइनस 3 × 9/2 एंड प्लस 3, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जब तो 2/3 माइनस 1/2 एंड प्लस 1। जो भी किए हो लगता है कि गड़बड़ किए हो। सो यहाँ पे 9 × 3 = 27, सो 9 × 2 = कितना हो गया बच्चे, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 21 माइनस 9/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ पॉइंट में भी कर सकते हो, बट पॉइंट में क्यों करना जब डायरेक्ट ऐसे काम चल जा रहा है तो। ठीक है सो ये हो जाएगा माइनस 2/3 प्लस 1/2 एंड माइनस 1। सो ये हो गया 21 माइनस ये कितना हो गया बच्चे, बोलो बोलो बोलो, 20 माइनस ये 9/2 माइनस 2/3 एंड प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। डाउट आ रहा है क्या बच्चे तुम लोगों को? हाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है। 26 तो हाँ 6 × 12 माइनस 2 × 3 = 6 एंड 9 × 3 = 27, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 एंड प्लस 1 सेकेंड 2 × 3 = 6। ये जो आया ये 123 माइनस कितना हो गया बच्चे 31, 27 × 31 ये हो गया 2 और ये हो गया 9 × 3 = 12, सो 92/6 मीटर। इसी को कैंसिल और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 3 = 25 = 30 2 × 3 सही है 15.3 बच्चे 3 मीटर आया कि नहीं आया, वो थोड़ा कैलकुलेशन इसलिए बड़ा हो गया ना क्योंकि मैं कुछ भी अपने मन से कर दिया था। यहाँ तक सच में समझ में आया बच्चे? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? पक्का? Yes, sir. ठीक है, गर्ल्स में सिर्फ स्नेहा बोल रही है, बाकी सब कहाँ हैं? चलो मैं रब करो बच्चे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो स्वामीनारायण सलवाव वाली वो एक बच्ची थी, क्या नाम था उसका, है क्या बच्ची तू, बोलेगी नहीं जान दो, उसका नाम कुछ था एस से मैं भूल गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड, फटाफट देखते हैं। तो क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज a = 3t² माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। करोगे बच्चे? बोलो करो, आंसर बताओ, जल्दी बताओ। चैत्रा है क्या? खुश हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो गया तेरा पूरा। जल्दी जल्दी माइनस सिक्स ये। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए आंसर में, टेंशन मत लो, ठीक है? मैं भी करूँगा, उसमें भी दिखेगा। तो चलो, अच्छा हो सकता है, मुझे आंसर नहीं पता, मैं तो कुछ भी लिख दिया। सो हमें पता, हाँ आ सकती है, अरे क्यों नहीं आ सकती है बच्चे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस प्लस वेक्टर में मतलब रहता है, तो आ सकती है, ठीक है? जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब, तो आज क्लास के बाद नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। आज मैथमेटिकल टूल का लास्ट लेक्चर है। सो हाँ मैं कर रहा हूं 3t² - 1 dt। जब टाइम इनिशियल नहीं गिवन है तो कितना ले लेंगे? 0, 0 से 5। सो चेक करो इंटीग्रेट किया 3t³/3 - t, कहां से कहां तक? 0 से 5, 3 3 कैंसल। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा बच्चे? अपर लिमिट रखेंगे तो 5, वेरी गुड, 125 - 5, और लोअर लिमिट में तो 0 ही आएगा ना, 0 - 0। सो आंसर इज प्लस में 120 मीटर पर सेकंड। माइनस में किसका आ रहा था फिर? एक गलत बात है, माइनस में नहीं लाना, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूं, हाँ थोड़ा गड़बड़ करूंगा, लेकिन तुम लोग दिमाग चलाना, ठीक है बच्चे? चलो क्या बोला फिर से बोलो। अच्छा अरे तुम लोगों को पता है ना मेरी शादी है, तो थोड़ा सा काम करने दो। सो कोई बात नहीं, देखते हैं। गुड्डू सर जी याद दिलाइएगा, आज वर्कशीट भेजना है, ठीक है? सो आज मैं बोला हूँ याद दिलाने के लिए, या मुझे कोई याद दिला देना, रात में मैं भेज दूंगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और, हाँ ठीक है। चलो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक गिवन है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2t - 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, मतलब दोनों निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब दो दो क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट अलग निकालना है और एक्सेलरेशन अलग निकालना है। जो भी करेगा मेरे तरफ से उसके लिए शाबाशी, अभी कुछ और तो कर नहीं सकते हैं, सामने रहते तो कुछ दिया जाता। जल्दी करो बच्चे, ब्राइटनेस उसका बिल्कुल कम कर दो। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे? 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूँ साइड में, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर, हाँ सही है। मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ कि सही है, तुम लोगों ने किया है, ठीक है। एक्सेलरेशन बताओ, करती है ब्राइटनेस कम, इस टाइम 2 मीटर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2 m/s² आएगा ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, ठीक है। डाइवर्सिटी देखो, मैं बोलता हूँ ना डाइवर्सिटी दिखेगी, ए इधर देखना मत कोई, अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। सबसे पहले निकालना है एक्सेलरेशन, नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt, मतलब 2t - 3 इंटू dt, कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से, क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? मुझे हो सकता है, मुझे आंसर नहीं पता बच्चे,
मुझे आंसर जीरो कैसे आ जाएगा बताओ, गलत है। हाँ जीरो आ सकता है, आ सकता है। अरे ठीक है ना, आ सकता है, मैं बोल दिया ना। नाइन माइनस जीरो माइनस जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। जैसे जीरो आया तुरंत माइंड में आया, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है बच्चे? आंसर है हाँ, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जीरो हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या निकालना था, एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन कितना आया, देखो डाइवर्सिटी, किसी का सिक्स आया, किसी का टू आया और किसी का जीरो आया, तो इतना डाइवर्सिटी दिखती है। चलो नेक्स्ट वन बताओ जल्दी। यारा तेरी यारी मैंने तो खुदा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सक, रुक जा एक मिनट, रुक जा मैं कर ही देता। हाँ सही है, सही है बच्चा, वेरी गुड। तो इतना लेट से क्यों आ रहा है? अरे सिंपल ना, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, सो वी 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 टू टी माइनस थ्री, टू कॉन्स्टेंट है टी का वन माइनस थ्री का जीरो, तो कितना, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, चेक करो तो कांस्टेंट है, मतलब इसमें टी का टर्म ही नहीं है, इट मींस एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है। तो किसी भी सेकंड में निकालो, इसमें टी इक्वल टू थ्री सेकंड में पूछा है, कभी भी निकालो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा मान लिया जाए, सबको समझ में आया बच्चे? गड़बड़ नहीं करोगे ना सब? तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फाइनली समाप्त हुआ। अभी आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, स्टार्ट किया जाए बच्चे, बोलो। हाँ तो ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा थोड़ा साइन 30 कॉस 30 दिमाग पे प्रेशर डालो, कितना वैल्यू किसका किसका था उसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली। सबका याद है क्या वैल्यू 90 तक का? हाँ चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, तुम्हारे टेंथ के टीचर ने बताया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। चलो तीन चीज का वैल्यू देखेंगे हम सिर्फ, साइन कॉस टेन, बाकी का तो कर ही लोगे ना उल्टा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार और लिख देता हूँ कि तुम लोगों को डाउट ना जाए, ठीक है। सो यहाँ पे थीटा थीटा थीटा, हाँ यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा, जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री, देन 37 डिग्री, मैक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। ये जीरो, ये 30, ये 37, देन 53, देन अच्छा सिर्फ 45 तो छूट गया, सो 45, देन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू कभी भी गिवन नहीं रहेगी और बिना इसके आप कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। देन 60 एंड देन 90, ठीक है। आप लोगों को 37 एंड 53 पहले से नहीं सिखाया गया होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 37 एंड 53 वाला भी। चलो साइन जीरो बोलो बच्चे जल्दी, जीरो। अब देखो एक चीज, साइन और टेन जीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम के तरफ जाते हैं, मतलब साइन और टेन जीरो से मिनिमम से स्टार्ट होके मैक्सिमम को जाते हैं और कॉस मैक्सिमम से स्टार्ट होके मिनिमम को जाता है, ठीक है। तो साइन जीरो जीरो, साइन 30 वन बाई टू, वेरी गुड। साइन 45 वन बाई रूट टू, साइन 60 एंड साइन 90 वन। देखो ध्यान से देखो, पता ये चला कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट मींस इफ थीटा इंक्रीजेस ये अपर मतलब इंक्रीज दिखाया है, देन साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, ये वर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना हम रिलेट कर देते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ये दो का थोड़ा देर बाद में बता देता हूँ। अभी आ जाओ कॉस, कॉस तो पता है, इसका उठा के स्टार्टिंग से रख दो, मतलब इसकी वैल्यू रख दो, तो क्या लिखोगे, कॉस 90, कॉस 0, 1, कॉस 30 की वैल्यू ये हो जाएगी, देन कॉस 45 सेम हो जाता है, देन ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। नाउ अब आते हैं इस पे, टेन पे, तो साइन बाई कॉस कर दो, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, 2 कैंसल, 1/√3 कैंसल 1, ये और ये इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, ये एग्जैक्टली क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, सो उसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं, बट अनडिफाइंड वाला टर्म है वो, ठीक है बच्चे, इसको बोलो। अब इसकी वैल्यू याद रखो 37 और 53, कैसे याद रखना है देखो, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अगर ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है तो बताओ ये कितना होगा, बोलो 5 मीटर, वेरी गुड। अब ये बताओ ये एंगल हमें पता है कितना, 90, हमें एंगल पता है 90, वेरी गुड, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। और लेट ये ले लिया थीटा, ये ले लिया थीटा, थीटा के सामने वाला अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपो, मतलब पीबीएस के फॉर्म में तुमको सिखाया गया होगा मुझे नहीं पता, थीटा के सामने वाला अपोजिट इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बीधर वाला एडजेसेंट ये मतलब बेस बोलते हैं, और ये हाइपो मतलब एच बोलते हैं, ठीक है। अब तुमको कैसे सिखाया गया है वो तुम लोग देख लेना। अगर साइन थीटा यहां लगाते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू, चेक करो कितनी वैल्यू आएगी, बोलो बोलो, अरे बोलो, 4/5, क्योंकि अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट। सबको याद है कि लिख के फॉर्मूला बताऊं फिर से, हाँ याद है, वेरी गुड, 4/5 सही है। सो कॉस थीटा की वैल्यू बता दो बच्चे, वेरी गुड, 3/5 सही है, देन टेन थीटा की वैल्यू बता दो, 4/3 वेरी गुड, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अच्छा अगर ट्रायंगल ऐसे होता, ये इस ट्रायंगल के लिए हुआ ठीक है, अगर ट्रायंगल ऐसे रहता तो ये ले लिया 4 मीटर, ये ले लिया 3 मीटर, तब भी ये कितना होता, 5 मीटर, तब भी ये कितना होता बच्चे, 5 मीटर। सो अगर ये थीटा ले लिया, ये क्या ले लिया बच्चे, थीटा, यह काम करो इसी ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल था ना 3, 4, तो ये कितना था, 5, ये थीटा ना लेते हुए ये थीटा ले लिया, सही है। सो अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी, जल्दी, 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू, एंड टेन थीटा की वैल्यू, नहीं 3/4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, साइन थीटा पे आते हैं, साइन थीटा पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे 0.8 आएगी, 4/5 की वैल्यू कितनी होती है 0.8, और ये वैल्यू होती है अपना 0.6, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड 3, 4 और 5 हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड 3, 4 और 5 हो, उसमें एक एंगल 90 होगा तो 100% दूसरा एंगल 37 होगा और तीसरा एंगल 53 होगा, फिक्स है, फिक्स है, ऐसा ही होगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका तीनों साइड 3, 4, 5 हो, मतलब 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर हो, तो एक तो फिक्स है 90 होगा, बाकी को जो दो बचते हैं, बाकी के जो दो एंगल बचते हैं, एक ये और एक ये, उसमें से कोई एक 37 होगा और दूसरा 53 होगा। तो ये बताओ, साइन पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, कौन सा 37 की वैल्यू होनी चाहिए और कौन सा 53 की वैल्यू होनी चाहिए, बताओ जल्दी सोचो, क्या बोला पता चला वैसे,
दिखाया ना। बोले बच्चे सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है। अब सुनो इधर ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। राइट एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका साइड 3, 4, 5 मीटर है, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर है, उसमें से एक एंगल 90 है, फिक्स है, उसमें से बाकी का जो दो एंगल होगा उसमें से कोई एक, कोई जो एक होगा वो 37 होगा और दूसरा जो होगा वो 53 होगा। दूसरा जो होगा क्या होगा बच्चे? 53। सो मैंने पूछा 4/5 और 3/5 मतलब 0.8 एंड 0.6 इनमें से। हाँ बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा ठीक है, फिर से बोल रहा हूं सुनो। मैं बोला कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, अगर 3, 4, 5 साइड है, एक का साइड 3 मीटर, एक का साइड 4 मीटर, एक का साइड 5 मीटर, चाहे ये 4 हो, ये 3 हो, ये 5 हो, कैसा भी, अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है। हाँ ठीक है सुनो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड 3 मीटर हो, एक कोई साइड 4 मीटर हो, एक कोई साइड 5 मीटर हो, वो ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि ये ऐसा, ये 4 मीटर हो, ये 3 मीटर हो और ये 5 मीटर हो। एक अगर ना, एक तो फिक्स है 90 है, तो दूसरा कोई एक 37 होगा और एक क्या होगा बच्चे? 53 होगा, फिक्स है, एक 37 और दूसरा 53। तो ये बताओ 0.8 और 0.6 दो वैल्यू है साइन थीटा की, एक 0.8 और 0.6, कौन सी वैल्यू 37 की हो सकती है और कौन सी वैल्यू 53 की हो सकती है, बताओ? 0.6। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि थीटा जैसे बढ़ता है साइन थीटा भी क्या होता है? बढ़ता है। तो देखा 0.8 और 0.6 में छोटा कौन है? तो 0.6। इसका मतलब 0.6 किसकी वैल्यू रही होगी? तो 0.6 जो है वो 37 और ये 53। तो अगर भूल गए ना तो याद रखना, ये ट्रायंगल 3, 4, 5 बना देना, 3, 4, 5, ठीक है। अब 3/5 37 हो जाता है, तो 4/5 क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। किसी को डाउट है बच्चे? कॉस तो बेचारा रिवर्स हो जाता है, साइन 30 कॉस 60 में होता है, मतलब सॉरी साइन 30 कॉस 60 में होता है एंड साइन 60 कॉस 30 में होता है, वैसे ही रिवर्स कर दो। यहाँ पे कॉस 37 कितना हो जाएगा? 4/5 एंड साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5। कैसे याद रखना है, पता चला? हाँ या ना? हाँ। या अगर ऐसे तो ये बताओ, ये वाला जो एंगल हुआ, ये दोनों एंगल में ज्यादा एंगल कौन सा दिखेगा? तो ये वाला, ये दिखेगा 53 और ये कितना दिखता है? 37। तो चेक करो साइन 37 की वैल्यू कितनी? 3/5। मतलब अभी हमें पता चला था कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितना लिया था? 53 लिया था। इस केस में थीटा 53 है, ठीक है, और इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री। ये अपर वाला एंगल 37 है, तो साइन 37, यहाँ पे कॉस 37 और यहाँ पे टेन 37, ठीक है। सो बोलो, साइन चेंज करने पे? हाँ साइन चेंज करने पे चेंज हो जाएगा, लेकिन याद रखना उसमें से एक 90 होगा, दूसरा कोई एक 37 और एक 53 होगा, ठीक है। तो उसमें जो ज्यादा वाला एंगल होगा वो 53 होगा और छोटा वाला एंगल होगा वो 37 होगा, याद रखोगे बच्चे? सो मैंने दो तरीका बताया, या तो ट्रायंगल से इस फॉर्म में याद रखो, ट्रायंगल के फॉर्म में 3, 4, 5, ये देखो इतना सा एंगल दिख रहा है और ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो ज्यादा वाला 53 होगा और छोटा वाला 37 होगा। इसमें भी देखो ये ज्यादा दिख रहा है और ये इतना सा दिख रहा है, इनके बीच का ये एंगल, तो जो थोड़ा सा होगा वो 37 और जो बड़ू सा होगा वो 53। बाद में तो तुम थीटा के सामने वाला अपोजिट एडजस्टमेंट कर सकते हो, या वैसे अगर ये सब हटा के याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन, देखो नीचे में तो 5 होगा साइन में,
नीचे में 5 होगा क्योंकि हाइपो सबसे बड़ा होने वाला है। तो साइन 0 से स्टार्ट होते होते बढ़ते बढ़ते पहले 3, 4, 5, पहले आता है 3, फिर आता है 4 एंड फिर आता है 5। सो 37 में कम वाला एंड 53 में ज़्यादा वाला, मतलब इसमें 3 उसमें 4। याद करने का अपना अपना वे है, बेटर वे है ट्रायंगल के फॉर्म में याद रखो। ठीक है बच्चे, बोलो। स्क्रीनशॉट मार लिए कि लिख लिए? अच्छा हाँ, एक चीज और थोड़ा बता दो, यहाँ थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से साइन थीटा इंक्रीज होता है। इसमें इफ थीटा इंक्रीजेस देन कॉस थीटा क्या होगा? डिक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है ना बच्चे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती रही है? कम होते जा रही है और लास्ट में क्या हो जा रहा है? जीरो। टैन थीटा बताओ जल्दी। If theta increases, then tan theta also increases. देखो इसकी वैल्यू ये 0, ये 1/√3 मतलब 0.3 कुछ तो कुछ होगा, ये 3/4, ये 1 मतलब 1 से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। पक्का पता चला? रब करूं मैं? हाँ, तो या तो लिखते जाओ साथ में और नहीं तो बाद में रब कर दिया करो। ठीक है, अच्छा। So, मैं रब कर रहा हूं। Now, अब क्या सीखना है कि ठीक है 90 तक तो आ गया, 90 तक तो मैंने कुछ नहीं किया, 90 तक तो मैक्सिमम तुमको पहले से याद था। मैं तो दो चीजें एक्स्ट्रा एंगल बताया है, बाकी सब तुमको पहले से पता था। क्वेश्चन है क्या होगा जब 90 से एंगल ज्यादा होगा? क्या होगा जब 90 से एंगल ज्यादा होगा? तो ठीक है, उसके लिए हम सीखेंगे बच्चे क्वाड्रेंट। तो अभी अच्छे से ध्यान देना, हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट बहुत, बोलो बच्चे क्या हो रहा है? फोकस नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, एक काम करो स्क्रीन पे दो बार टैप करके देखो शायद दिखे। अच्छा चलो आप देखो क्वाड रेंट अभी दिखा बच्चे? ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करो और वो धीरे धीरे हो जाता है वो। ठीक है, वो नेट के प्रॉब्लम से होती है। अब चेक करो, यहां चार एक्सिस बनाया, इसका नाम दे दिया बच्चे फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड और ये फोर्थ। दिख रहा है बच्चे सबको? हाँ, जनरली यहीं से जीरो से बढ़ते 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 90 करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक डाउट है बच्चे? हाँ। अब एंगल जो भी लेते हैं वो यहां से बढ़ते बढ़ते एंटी क्लॉकवाइज जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है हमेशा एंगल। सो एंगल का मेजरमेंट यहां से जैसे बढ़ते बढ़ते गए तो कितना हो गया 90, तो ये हो गया 0 डिग्री। जैसे यहां पे गए कितना हो गया बच्चे 90। अब जैसे और आगे बढ़ते बढ़ते गए तो कितना हो गया बच्चे 180, और आगे बढ़ते बढ़ते गए तो कितना हो गया बोलो 270, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर वापस आ गए कितना हो गया तो 360, और अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से कितना एंगल बढ़ेगा बोलो 90। जैसे 90 करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो 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 4, कितना होगा? हाँ सॉरी 450, और 90 आओगे तो सो 540, और आओगे तो 630, और आओगे तो 720। मतलब जितना घूमना है घूमते जाओ। ये मैथ्स में वापस से सिखाया जाएगा बच्चे तुम लोगों को, मैथ्स में सिखाया जाएगा, मैं फिजिक्स में एक बार सिखा रहा हूँ। हमें 360 तक की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में ना, जो वैल्यू की जरूरत पड़ती है वो 0 से 360 डिग्री तक ही चाहिए रहता है। मतलब 120 पूछेगा, 330 पूछेगा, 270 पूछेगा, ये सबकी जरूरत होती है। लेकिन मैथ्स में जब आओगे ना तो 3350 पूछेगा, 5000 पूछेगा, मतलब बड़े बड़े एंगल पूछते हैं, तो उतना यूज नहीं है, बट मेथड सेम रहेगा।
मेथड सेम रहेगा। अब ध्यान से सुन लो करना क्या है। सबसे पहले चार जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, वो चार अलग अलग लोगों का एरिया होता है। कैसे होता है देखना, याद रखना। कास्ट आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। सभी लोग आजकल पॉलिटिशियन से लेकर मैक्सिमम लोग, हम जैसे लोगों को छोड़ के, कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो वही कास्ट तुम यहां पे याद रखना, सी ए एस टी, फिर से सी ए एस टी, कास्ट। सी फॉर होगा बच्चे कॉस, ए फॉर होगा ऑल, एस फॉर होगा साइन एंड टी फॉर होगा टेन। किसी को डाउट है? फिर से कास्ट में सी फॉर कॉस, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन एंड टी फॉर टेन। ठीक है, बोलो। अरे ऑल मतलब जितने भी फंक्शन है वो सारे लोग आ जाएंगे उसमें। उसमें साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, टेन भी आएगा, सब। मतलब एक ये जो घर जो है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट ना कॉस को दे दिया गया कि तू भैया तू संभाल। अब साइन को जो रहा वो सेकेंड क्वाड्रेंट दे दिया गया, टेन को थर्ड क्वाड्रेंट दे दिया, और एक घर जो बच गया उसमें बोला गया नहीं इसमें सभी लोग रह सकते हैं, इज्जत से सभी लोग रख सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चे? अरे बोलो। अब हमें पहले से पता है साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, याद है क्या बच्चे? यस सर। अरे बोलो। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, देन कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। ये तुम सबको पता है, हाँ या ना? मतलब साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है। इसका मतलब अगर ये घर साइन का है तो ये कॉसेक का भी हो सकता है, अगर घर ये टेन का है तो ये कॉट का भी हो सकता है, अगर ये घर कॉस का है तो ये घर सेक का भी हो सकता है। जनरली हम साइन कॉस टेन में ही डील करते हैं, बट मैथ्स वालों के लिए ये कॉसेक कॉट और सेक की भी जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, सो क्या बोला, पता चला? यस और नो? हाँ। अब जो मैं बोलूंगा एकदम नया रहेगा, ध्यान से सुनना। एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा है वर्टिकल एक्सिस। बताओ 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है कि वर्टिकल एक्सिस पे? हॉरिजॉन्टल। 540 हॉरिजॉन्टल, 180 450 वर्टिकल, देन 270 वर्टिकल। ठीक है, अब सुनना। अब ये यहां तक तुम पहले से पता था, अब मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल नया रहेगा। मैं लिख रहा हूं फंक्शन, फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कितने टाइप के बच्चे होते हैं, बोलो बोलो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? छह। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छह होते हैं, गड़बड़ मत करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छह होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, देन सेक थीटा और देन कॉट थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल कितने होते हैं बच्चे? छह होते हैं, ये ध्यान रखना, ये 10th क्लास में सिखाया गया था। ठीक है, तो उसी फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन विल चेंज अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ, फंक्शन विल चेंज ऑन वर्टिकल एक्सिस। मतलब ये रूल है कि कैसे हम सीखेंगे 90 से ज्यादा निकालने का, तो ये नोट करके लिखेंगे। ध्यान रखना है कि वर्टिकल एक्सिस पे फंक्शन चेंज होगा, मतलब इस एक्सिस पे जो भी एंगल आएंगे उस एंगल के कोण से वहां पे जो भी फंक्शन रहेगा वो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज मतलब क्या, तुरंत माइंड में क्वेश्चन आया कि चेंज का मतलब क्या। तो चेंज का मतलब ये कि अगर साइन थीटा तुम्हारे पास है, क्या है बच्चे? साइन थीटा
तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम में कॉस थीटा, साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम में कॉस थीटा में, या कॉस थीटा लिखा रहा तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। कैसे यूज करना है वो मैं सिखाऊंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है अगर वो एंगल वर्टिकल एक्सिस पे आ गया तो वो फंक्शन को उस टाइम में चेंज कर देंगे, तो साइन रहेगा वो कॉस में चेंज होगा या कॉस रहेगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। याद रखना है ये फॉर्मूला में सिर्फ उल्टा साइन अपॉन साइन इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक होता है, बाकी साइन जनरली कॉस के साथ पेयर बनाता है। पेयर मतलब जो होता है ना कि किसमें से किसमें कौन कन्वर्ट होगा, याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, वन होता है। मतलब साइन किसके साथ पेयर बना रहा है, कॉस के साथ। टेन किसके साथ पेयर बनाता है, कॉट के साथ, ठीक है हाँ, और कॉस एक सेक के साथ बनाता है। सो साइन चेंज होगा कॉस में या कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा या कॉट अगर रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। सिमिलरली सेक रहेगा तो कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक रहेगा तो सेक में चेंज होगा। यहां तक समझ में आया बच्चे, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं? चलो अब लिखते हैं, बोलो। अरे बाकी एंगल भी आ सकता है, मैंने लिखा नहीं रे, इसको और बढ़ाते जाएंगे तो 450 इसमें 450 प्लस 90 यहां देखो इसकी 30-45 तो सुन, 30-45 तो तेरे को याद है ना ऑलरेडी, 90 तक की वैल्यू को थोड़ी निकाल रहे हैं, 90 से ज्यादा की वैल्यू को निकालने के लिए ये यूज हो रहा है, ठीक है। सो 90 तक का तुमको रट्टा मारना है, उसके बाद के लिए यूज होने वाला है, ठीक है हाँ। सो चेक करो, हमें 90 से कम की जरूरत नहीं है ना बच्चे एंगल याद एंगल निकालने की, हाँ तो ठीक है। अब 90 से ज्यादा के लिए करते हैं, तो ध्यान से देखो कैसे लिखता हूं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 की नहीं चाहिए, 90 से ज्यादा चाहिए, तो 90 तक आ गए प्लस प्लस थीटा किए, और वो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, साइन 120 को, तो क्या उसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं। तो उसी फॉर्मेट के लिए मैंने ये किया कि 90 से बढ़ा रहे हैं और वो थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 90 ही लेना, क्योंकि 90 से ज्यादा लेगे तो तुमको पता नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलो एक एक करके बढ़ रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साइन मैंने लिखा 90 प्लस थीटा, ठीक है बच्चे हाँ, जैसे साइन दिखा कोई बात नहीं, अंदर गए देखो, अंदर में जैसे गए क्या दिखा, 90, वेरी गुड। जैसे अंदर जाओ देखो पहला एंगल क्या है, पहला एंगल 90 है, चेक करो कि 90 वर्टिकल एक्सिस पे है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस। जैसे वर्टिकल एक्सिस पाया तुरंत माइंड में आया अच्छा फंक्शन चेंज होगा, मतलब साइन किस में हो जाएगा, कॉस में हो गया। थीटा तो बेचारा थीटा ही है, उसमें हम कहां कुछ कर सकते हैं, थीटा अभी भी क्या है, थीटा ही है। मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या बन गया, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया बच्चे, कॉस थीटा। देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ देखो, एग्जाम्पल साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन कितनी की वैल्यू निकालनी है, 120 की, तुरंत याद है अच्छा 120 को ना 90 से ज्यादा है तो 90 प्लस क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं 30, ठीक है। जैसे यहां पे देखा साइन के अंदर 90, अच्छा 90 वर्टिकल एक्सिस पे आता है, वर्टिकल एक्सिस से फंक्शन चेंज होता है, तो साइन तुरंत किस में लिख दिया, कॉस में, कॉस 30, और कॉस 30 तो पता ही है ना तुमको वैल्यू, तो देखो निकल गया कि नहीं निकल गया साइन 120, बोलो सिंपल रूल है ना। तो कैसे, एक एक लिख के बताता हूं, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अभी याद नहीं करो बाद में तो याद हो जाएगा, बाद में अभी क्या एक महीने बाद ना तुम लोगों को ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम चीजें पता हो जाएगी। अभी कैसे याद रखना है कि जैसे हम चीजें ऐसे लिखेंगे ना दो पार्ट में, तो देखना उसमें से एक एंगल जो है
वो वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है? अगर वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है तो फंक्शन चेंज कर देना, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रहा है तो फंक्शन चेंज मत करना। बाकी थीटा तो बेचारा वैसे ही थीटा है। थीटा क्या है? वैसे ही थीटा है। ठीक है बच्चे? अरे यस और नो? अब क्वेश्चन ये है कि जो कास्ट लिखा, देखो ध्यान से, कास्ट जो लिखा है CAST, मतलब ये जो है ना, ये कॉस बाबा का एरिया है, ये सभी लोगों का एरिया है, ये साइन बाबा का एरिया है, और ये टेन का, तो वो चीज भी यहाँ पे देखनी होती है। अब उसको देखो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो साइन है कि कॉस है? साइन। 90 + 30 मतलब 120 देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आया कि थर्ड में आया? और सेकंड देखो किसका एरिया है? तो साइन, इसको मत देखना, ये तो कन्वर्ट करने के बाद इसको देखना। साइन का ही एरिया है, मतलब साइन यहां पे खुशी से रह सकता है, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि साइन का एरिया है। ठीक है बच्चे? अब सिमिलरली कॉस 90 + थीटा अगर गिवन है तो जैसे देखा सा कॉस, अंदर गए 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 गए, देखा पहले क्या दिखा? 90। बताओ फंक्शन चेंज कि नहीं? चेंज होगा। तो यहां पे कॉस किस में हो जाएगा बच्चे? साइन में। अब देखा 90 + देखो तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड में। 90 + सेकेंड में जा रहा है, और सेकेंड किसका एरिया है देखो तो? बट तुम्हारे पास क्या है? कॉस। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। आया कि नहीं आया? सिंपल रूल, जिसका एरिया है वो पॉजिटिव रहेगा, अब बाकी लोगों को बोलेगा तुमको कैसे पॉजिटिव रहने देंगे, तो उसको क्या कर देगा? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल कौन है बच्चे? सो कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 120, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, कॉस 90 + 30। देखो ये फॉर्मूला याद मत रखना, सिर्फ कैसे फॉर्मूला हम कर रहे हैं वो याद रखो। जैसे कॉस के बाद में 90 दिखा, बताओ फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। कॉस साइन में, और बेचारा 30 तो 30 रहेगा, तुरंत याद आ, अच्छा 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब माइनस, तो देखो कितना आ गया आंसर? -1/2। बताओ सिंपल की हार्ड? सिंपल है ना, सिर्फ कुछ 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 रूल याद रखनी है। सिमिलरली एक और देख लो, 10 90 + थीटा, बताओ क्या आएगा? 10 90 + थीटा, जल्दी बोलो। प्लस में कि माइनस में? माइनस, नहीं नहीं नहीं, माइनस कॉट थीटा, भग गड़बड़ कर रहे हो। टेन देखो 90 मतलब फंक्शन चेंज, टेन किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में। टेन किस में? कॉट में। ठीक है, और चेक करो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा। किसी को डाउट है बच्चे? हाँ, सो एक वैल्यू बताओ तो फटाफट, 10 150 डिग्री वैल्यू बताओ जल्दी। ए, मैं वैल्यू पूछा, लिखने का नहीं पूछा, मैं फाइनल वैल्यू बताओ कितना आएगा? सही सही बताओ। हाँ चलो चेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 90 + 60। जैसे 90 दिखा पता चला फंक्शन चेंज होगा, 10 किस में हो जाएगा? कॉट में, और थीटा के जगह थीटा, और 90 प्लस देखा सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, मतलब 10 बेचारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब 10 60 का उल्टा, कॉस 60 कॉट 60 होता है, तो 10 60 मतलब √3, तो कॉट 60 मतलब 1/√3। आया बच्चे? आया ना, फिर से बताऊं? नहीं सर, इसमें मतलब ऐसे
हाँ 125 हो तो 90 प्लस तुम कितना लिख सकता है 35। क्या 35 की वैल्यू तुमको पता है? नहीं निकाल सकते हैं। जितना स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने लिखा, जैसे 127 की वैल्यू पूछा जा सकता है, 127 क्यों? 90 प्लस 37 और 37 की वैल्यू तुमको पता है। मतलब ऐसे एंगल निकाल सकते हैं जिसकी पहले से वैल्यू हमें पता है, उस फॉर्मेट में आना चाहिए। बाकी अगर उस फॉर्मेट में नहीं आया तो बच्चा कोई रूल नहीं है, फिर लॉग बुक देखना पड़ेगा। लॉग बुक में से साइन कोसाइन का टेबल दिया रहता है, उसी से तुम वैल्यू लिख सकते हो या कैलसी यूज कर सकते हो। कोई ऑप्शन नहीं है, मैथ में भी नहीं और फिजिक्स में भी नहीं। ठीक है? हाँ, सो लिख लिए, मैं रब करूं इधर का बच्चे? पक्का? हाँ, सो मैं रब कर रहा। नाउ अब चलो फटाफट फटाफट बताते जाना, अभी खत्म करेंगे जल्दी से इसको। हाँ, साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 90 प्लस लो या 180 माइनस भी में तो आ सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चेक करो 180 माइनस थीटा कैसे लिखते हैं। जैसे गए 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 गए, क्या मिला? 180। देखना 180 हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे? फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो साइन के जगह साइन। ठीक है, अब प्लस माइनस चेक करो। 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की थर्ड क्वाड्रेंट? अरे अच्छे से देखो, गलती ऐसे नहीं बोला, अच्छे से देखो, कौन सा क्वाड्रेंट? आंसर है सेकेंड क्वाड्रेंट ही है। ठीक है, आंसर चेंज नहीं करना। और सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सेकेंड में साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। चलो अगर कॉस 180 माइनस थीटा रहे तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, माइनस कॉस थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ पॉजिटिव रह सकता है, बाकी लोग नेगेटिव होंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉट रहे तो, सो कॉट 180 माइनस थीटा तो क्या? अच्छा टेन था ना, टेन का लेना था, किसी का भी ले सकते हैं, माइनस ऑफ टेन थीटा। आगे भी लिखूं कि रहने दो बच्चे? कॉस ये मतलब सेक, ये सब का लिखने की जरूरत नहीं है ना? हाँ ठीक है बच्चे, सो चेक करो फिर से साइन 120 की वैल्यू निकालते हैं। तो अभी 90 प्लस 20 लिखे, 90 प्लस क्या लिखे थे? 30। अब 180 के फॉर्म में किसी को दिल किया कि नहीं हम 90 लेके नहीं चले, तो 180 माइनस क्या लिखेंगे? 60। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, और तो साइन थीटा और सेकेंड क्वाड्रेंट तो प्लस। तो देखो सेम आंसर आया कि अलग आंसर आया? सेम आंसर। तो मेथड चेंज करने से आंसर थोड़ी चेंज होता है, आंसर तो सेम ही रहता है ना। किसी को डाउट है बच्चे? चलो चलो अभी और देखते हैं। अभी 90 हो गया, हाँ 180 प्लस में आते हैं। 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, इसको बहुत प्रैक्टिस करना, आज क्लास खत्म होगा ना, प्रैक्टिस करके याद मत करना, समझ के रखना। चलो बोलो साइन 180 प्लस थीटा क्या लिखे? प्लस थीटा क्या लिखे बोलो? मार खाओगे। अरे साइन के बाद जैसे गए, 180 हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे? अरे अरे 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, क्या कर रहे हो? दिखो इधर किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे। इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसीलिए माइनस में। ये भी माइनस में और ये बच्चे प्लस में। प्लस में क्यों? क्योंकि उसी का घर आ गया ना, 180 प्लस 10 का ही घर। सॉरी। हाँ पक्का समझ में आया यहां तक? आप किसी का भी लिख सकते हो क्या? बोलो और लिखो कि किसी का भी अभी लिख सकते हो? अच्छा ठीक है, यहां तक हो गया ना, जल्दी चलो। सो फटाफट मैं रब कर रहा हूं, अभी आते हैं। चलो और भी तीन चार का लिख देता हूं। अभी 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 180 के बाद गए 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 गए, क्या है? 270 है। तो चलो
साइन 270 माइनस ले लो, कॉस 270 माइनस ले लो, टेन 270 माइनस ले लो, सिमिलरली साइन 270 प्लस ले लो, कॉस 270 प्लस ले लो एंड टेन 270 प्लस ले लो। चलो कैसे लिखेंगे, देखो 270 हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे? अच्छा देखो 270 वर्टिकल पे, इसका मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, यहाँ पे भी साइन बेचारा कॉस में, कॉस बेचारा साइन में, टेन बेचारा कॉट में। अभी प्लस माइनस देख लेते हैं, 270 माइनस, देखो देखो 270 माइनस मतलब कम करना है, तो कम करना है तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में टेन बाबा पॉजिटिव होते हैं, बाकी लोग निगेटिव होते हैं। आया कि नहीं आया बोलो, कुछ हार्ड है? सिमिलरली चलो और थोड़ा बढ़ते हैं, और हाँ फिर से बोलो, 270 प्लस थीटा तो थर्ड से थीटा। अरे एक मिनट रुको 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 रुको, गलती की हमें। अरे रुको, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 270 प्लस किस में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड में है और ये किस में? फोर में, और फोर में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? पक्का? चलो लास्ट इसका लिखते हैं, किसका? 360 का। सो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, सिमिलरली साइन 360 प्लस थीटा, देन कॉस 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 360 प्लस थीटा एंड टेन 360 प्लस थीटा। चलो 360 बताओ, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कि वर्टिकल लाइन पे? हाँ देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, यहाँ पे भी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा एंड टेन टेन रहेगा, ठीक है। आप चेक करते हैं प्लस की माइनस, तो 360 माइनस, 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। साइन माइनस, ये माइनस, कॉस बेचारा प्लस, और इसमें 360 प्लस देखो तो 360 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? ऑल प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। आया? तो सुनो दे, किसी को कुछ भी डाउट है? क्वेश्चन एग्जांपल लिया जाए, लिखने की जरूरत है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखने की जरूरत नहीं है तो, हालांकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं बट फिर भी ले लिए, वेरी गुड, आज सब फास्ट हो गए हो, क्या बात है। चलो इसमें से कोई भी फॉर्मूला कोई भी याद नहीं रखेगा, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है। वर्टिकल पे फंक्शन चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होगा। भूल जाना तो फटाफट ऐसे बना लेना, ये हॉरिजॉन्टल 0, 90, 180 देन 270 एंड देन 360, देख लेना इस पे चेंज नहीं होगा, इस पे चेंज होगा, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो एग्जांपल लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर वन, साइन 330 की वैल्यू जल्दी बताओ, जल्दी, ए मारूंगा पकड़ के, आंसर बताने के लिए बोला हूं। माइनस के प्लस, हाँ माइनस रूट 3/2, पक्का? मेरे को क्यों गड़बड़ लग रहा है? पक्का? मेरे को क्यों लग रहा है माइनस हाफ होना चाहिए?
अरे पगलो, इसको 330 देखा किसके बीच आ रहा है, तो इन दोनों के बीच आ रहा है, तो या तो 270 प्लस 60 करो या 360 माइनस 30 करो, तो 360 माइनस क्या कर दिया 30, ठीक है। देखा 360 बताओ हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे है, अरे बोलो, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, और 360 माइनस वो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस हो गया, इसका मतलब आंसर कितना हो गया -1/2। दूसरा मेथड ये भी है, इसको हम साइन 270 प्लस 60 भी लिख सकते थे, 270 वर्टिकल लाइन पे आ गया तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और 330 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया -1/2। अभी भी गड़बड़ हो रहा है, बताओ हो रहा है ना, हाँ तो नहीं करना है ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, हाँ कॉस नहीं साइन 180 की वैल्यू बताओ बच्चे जल्दी। जीरो? सच में मार खाएगा, जीरो आएगी। अरे साइन 180 को 180 माइनस जीरो लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो 180 माइनस जीरो लिख सकते हैं ना, और 90 प्लस 90 भी लिख सकते थे। ये पे हॉरिजॉन्टल पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, 180 माइनस मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जनरली आ गया, तो ये 180 माइनस करने पे सेकंड पे दिख रहा है, प्लस साइन जीरो कितना होता है जीरो। अरे बक तो उसे क्या हो गया, साइन 90 प्लस 90 किया, 90 पर फंक्शन चेंज होता है, वर्टिकल पे आ गया ना, तो साइन किस में हो गया, कॉस में हो गया, और कॉस 90 क्या होता है जीरो, मतलब मेथड चेंज करने से आंसर अलग आएगा, ऐसा होता है क्या? चल कॉस 180 की वैल्यू बताओ बच्चे, माइनस वन, वेरी गुड। देखो स्पीड अब तुम लोगों की बढ़ रही है, कॉस 180 माइनस क्या लिख सकते हैं जीरो, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, 180 माइनस साइन बाबा का एरिया है तो माइनस आ गया, कॉस जीरो कितना होता है वन। सही से बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का ना, तो और करते हैं, टेन 210 की वैल्यू बताओ जल्दी। जल्दी माइनस जो बोल रहा है वो मार खाएगा, 210 जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 210, और वो 10 का ही एरिया होता है, ऐसे मत करो। सो इसको लिख सकते हैं 10 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, या हम चाहते हैं कि भाई 10 में ही रहे ना, तो 10 270 माइनस 60 लिख सकते हैं, 270 अरे हट 180 में सही था, 180 प्लस 30, 180 पे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, और 10/30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। डाउट है बच्चे, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, पक्का ना, तो ऐसे वैल्यू निकाल लोगे ना, कोई भी वैल्यू निकाल के कर लेना, फोटो खींच के मेरे को भेज देना टैली करने के लिए, और नहीं तो मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक कर लेना कि सही है कि गलत है, ठीक है। आप सुनो, मेरे को ना 360 तक की वैल्यू की नीड होती है फिजिक्स में, बट ज्यादा रहता तो कैसे निकालते हैं, देखो रब करूं, अरे बोलो, हाँ सो उस मैथ्स वालों को उससे ज्यादा की नीड होती है, तो कैसे करेंगे चेक करो, सपोज हमें निकालना है 750 की वैल्यू, साइन 750, तो उस टाइम में पता है क्या करते जाओ, 0, 90, 120, 270, 360,
और बढ़ाते जाओ, मतलब ये आगे तक लिख लो, फिर देखा कि क्या लिख सकते हैं, साइन 720 प्लस 30, सेम 720 देखा कौन से लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और 720 प्लस 30 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो प्लस हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1/2, पक्का पता चला। तो ज़्यादा रहता है तो वैसे ही गोल गोल घूम जाते हैं, हमें 360 तक की नीड होती है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब एक और छोटा सा रूल है, वो ध्यान रखना है कि जैसे साइन माइनस 30 की रहे तो क्या होगा, साइन 30 तो पता है, साइन माइनस 30 रहे तब क्या होगा, तो ऐसी चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए आपको, इसके लिए एक रूल है वो सिखा देता हूं। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा एंड टेन माइनस थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉस एक ऐसा फंक्शन है ना, कॉस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अंदर माइनस रहे या प्लस रहे उसको हमेशा प्लस कर देता है। साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है तो हम लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप फिट करना है कि कॉस की वैल्यू कभी भी यहां पे अगर माइनस रहे तो उसको हमेशा वो क्या करके देगा, पॉजिटिव, मतलब कॉस माइनस थीटा है तो कॉस प्लस थीटा ही रहेगा, मतलब ये माइनस स्वाहा कर देता है। जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन सीखते हो ना, अभी नहीं सीखते होगे तो सीखोगे, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, वैसे ही ये एक्सेप्शन होता है। इस क्यों होता है, ये मैथ्स में सिखाया जाता है मॉडुलस के फॉर्म में, कि एग्जैक्टली वो वैल्यू को उसमें प्लस कर देता है। तो अभी फिट करना है, कॉस रहे अगर अंदर माइनस रहे या प्लस रहे तो प्लस ही देगा, साइन और टेन रहे तो माइनस क्या निकल जाता है बच्चे, बाहर निकल जाता है। क्या बोला पता चला? Yes, sir. अरे बोलो सभी लोग। फॉर एग्जाम्पल साइन माइनस 30 की वैल्यू निकालनी है तो तुरंत याद है, अच्छा एक बस कॉस जो रहता है ना, एक बस जो कॉस रहता है वही पॉजिटिव करता है, बाकी लोग नहीं करते, तो माइनस बाहर कर दो तो क्या हो गया साइन 30, मतलब कितना हो गया माइनस 1/2, सिंपल। अरे बोलो बोलो बोलो। अच्छा चलो, कॉस जो है, कॉस माइनस 60 की वैल्यू बताओ, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। सबसे पहले पता चला, अच्छा माइनस है, फिर याद किया, अच्छा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, और कॉस 60 की वैल्यू तो पता है ना 1/2। तो सिमिलरली अगर एग्जांपल एक लेते हैं बच्चे, कॉस अगर माइनस 120 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, बोलो कितना आंसर लाओगे, पक्का माइनस ऑफ? Yes, sir. कैसे करेंगे देखो, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू सबसे पहले प्लस कॉस थीटा, पहले माइनस को सॉल्व कर लेने का कि माइनस बाहर निकलेगा कि माइनस बाहर नहीं निकलेगा। तो देखा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, लिख दिया, बाकी 120 तो सॉल्व करने तुमको आता है ना, 90 प्लस 30, 90 वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होगा, और 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब माइनस, तो माइनस 1/2। सच में पता चला बच्चे? फिर से बोलो, फिर से नहीं, सब में हो सकता है। अरे मैं तीन ही यूज कर रहा हूं, कॉस में भी रहेगा तो कॉस वाला प्रॉपर्टी इधर देखो, कॉस एक हो सकता है माइनस थीटा, देन सेक माइनस थीटा हो सकता है, देन कॉट माइनस थीटा हो सकता है। अब ये सब में बाहर निकल जाता है माइनस, ये भी कॉसेक थीटा और ये माइनस कॉट थीटा, और ये तो बेचारा उसी का भाई रहता है ना कॉस वाले का, तो ये प्लस सेक थीटा, मतलब जो कॉस की प्रॉपर्टी है वो तो सेक के जैसे ही रहेगी, क्योंकि एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है, पूरक मतलब एक दूसरे से वो लोग बेचारा उल्टा रहता है, साइन कॉस के साथ पेयर बनाता है लेकिन कॉस का उल्टा क्या रहता है, सेक होता है। तो जो प्रॉपर्टी कॉस की होती है वही प्रॉपर्टी सेक की भी होती है। ठीक है बच्चे? Yes, sir.
पक्का यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, सो अब ना ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूलाज हैं जो हमें फिजिक्स में यूज करने के लिए आना चाहिए। तो यूज तो होगा जब टॉपिक आएगा तब। फॉर्मूला मैं तुमको एक लिस्ट बनाता हूँ और वो लिस्ट बना के ना मैं तुमको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, उस फॉर्मूला को लिख लेना और वो अभी लिख के रखना, याद मत करना सब। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो प्रैक्टिस से ही याद हो जाता है। मैथ्स वालों को तो वो सब फॉर्मूला डेराइव करने को भी आएगा, लेकिन फिजिक्स वालों को सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना है। बट पता है कोई भी चीज़ें रट्टा फिक्सेशन करने से याद नहीं होती है, हम उसको समझ समझ के जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो इम्प्लीमेंटेशन से याद होती है। तो जब उस फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो तुमको याद हो जाएगा। बाकी तुमको बस ध्यान में रखना होगा कि देखो इस टाइप का फॉर्मूला मैंने सीखा था कभी। ठीक है बच्चे, पक्का? तो बताओ इसमें कोई भी डाउट है कुछ भी? सो एक काम करते हैं, सुनो अभी इसके बाद कर दो, इसके बाद ना ट्यूसडे को मेरी जो